मैं प्रीतम छोटे फिर से आप ही के खंडवा राजनी में आया हूँ। ठीक है, पिछले कुछ समय पहले मैंने जो अपने MYL45 सिबक्तरॉन और डाइबो केयर जो जूस है भैया को दिया था, इनको शुगर की समस्या थी। तो जानते हैं भैया से, क्या नाम लिखते भैया? दीपक चौहान। थोड़ा जब से बोलिए, क्या नाम लिखते? दीपक चौहान। दीपक चौहान, कहाँ रहते हो दीपक जी आप? राजनी। राजनी रहते हो। तो दीपक जी, आपको क्या समस्या थी? शुगर थी। कब से थी आपको शुगर? पिछले कुछ समय शुगर थी आपको। ठीक है, तो शुगर जो थी आपकी कितनी थी? 600 से 700 आपकी शुगर थी। ठीक है, और जैसे मुझे पता लगा कि आप हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। 6 रोज 9 दिन में रहा और फिर वहाँ से छुट्टी करवा के लगी तो घर पे फिर वैसे ही हो गया था। अच्छा, फिर सरकारी में 8 रोज सरकारी में भर्ती रहा। मतलब 8-15 दिन 12-15 दिन आप हॉस्पिटल में भी? 15 रोज। तो दोनों तीनों इंजेक्शन कितने लगते थे डेली आपके? तीन टाइम इंसुलिन लगते थे मतलब सुबह शाम दोपहर। ठीक है, और बोटलें भी डेली चलती थी? बोले तीन टाइम बोटल भी लगती थी। और खाना पीना आपका? कुछ नहीं, बहुत कम खाना देते थे। खाना भी बहुत कम, मतलब हॉस्पिटल का ही खाना। ठीक है, लेकिन जब से दीपक जी मैंने आपको जो ये MYL45 जो अपना MYL का डोज दिया है, तब से इससे आपको क्या आराम है? बहुत आराम है। अभी आपकी करंट में शुगर क्या रहती है खाने की? पूरी नॉर्मल रहती है। कितना? 120-130 बस। 120-130-140 तक। हाँ, ठीक है। और इसके बाद में जैसे पहले आपका कामकाज नहीं हो पाता था, बेड रेस्ट ही करते थे आप, आराम ही आराम हॉस्पिटल तो अभी कामकाज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? काम को आज पूरा कर पा रहे? पूरा दिहाड़ी वगैरह कर रहे हो? पूरा कामकाज कर रहे और पूरा परफेक्ट आराम है बिल्कुल? तो बाकी लोगों को जैसे किसी को शुगर की समस्या है, कोई इसी प्रकार की समस्या है, तो ये चीज लेना चाहिए कि नहीं लेना? ले सकते हैं, परफेक्ट आराम लगते हैं इससे। इंसुलिन दवाई गोली सब छूट गया आपका? पूरी इंश्योरेंस मतलब पूरी जितने भी गोली दवाई चलती थी पूरी छूट गई। चलो बहुत बढ़िया, तो ये रिजल्ट था। थैंक यू।